क्या वीर्य पतन और प्रोस्टेट कैंसर इसका कुछ कनेक्शन है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रोस्टेट जो एक ग्रंथि होती है मेल्स में, पुरुषों में, वह एक ऐसा कार्य करता है कि वीर्य जो है, वीर्य में शुक्राणु रहते हैं और शुक्राणु को खाद देना, नरिशिंग करना शुक्राणु का, उसके लिए प्रोस्टेट का सिक्रीशन काम करता है, मतलब शुक्राणु को जीवित रखना। तो जो फ्लूइड निकलता है वीर्य का, उसमें शुक्राणु है और शुक्राणु के साथ साथ कॉपरस ग्लैंड जो है उसका सिक्रीशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है, सेमिनल वेसल का सिक्रीशन है, तो वो वीर्य को जीवित रखते और हेल्दी रखते हैं। तो ये प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड का कैंसर 8 लोगों में एक व्यक्ति को होता है, मतलब कितना ज़्यादा रेट है इसका, 8 पुरुषों में एक पुरुष को ये प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, ऐसे अलग अलग स्टडीज में बताया गया है। जब इतना रेट है प्रोस्टेट कैंसर का, तो फिर डेफिनेटली हमको ये देखना होगा कि हम प्रोस्टेट कैंसर को कैसा कम कर सकते हैं। एक इसके बारे में 2016 में बहुत बड़ी स्टडी आई, और ये स्टडी इसलिए फेमस है कि 32,000 लोगों को 18 साल तक फॉलोअप किया था, बहुत बड़ा साइज था ये, और उनको पूछा गया कि आपका जो वीर्यपात होता है तो वो कितने बार होता है। हो सकता है कि वीर्यपात सेक्स करने में होगा, हो सकता है नाइटफॉल में होगा, हो सकता है हस्तमैथुन में होगा। वीर्यपात होना जरूरी है, ना कि सेक्स करना, मतलब तीनों इसमें कहीं भी हो सकता है वीर्यपात। तो कोई भी किसी तरह का वीर्यपात हो जाए तो कितने बार होता है। और फिर स्टडीज में ये बाहर निकल कर आया कि एक महीने में 21 बार अप्रॉक्सीमेटली, एक महीने में 21 बार जो सेक्स करते हैं या वीर्य पतन करते हैं, एक महीने में 21 बार, याद रखना है फिगर, तो उनको 20% लेस चांसेस है कैंसर होने का, एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू जो लोग 4 से 7 हर महीने में करते हैं। मतलब एक तरह ऐसे लोग हैं कि जो 4 to 7 टाइम्स करते, 4 से 7 बार एक महीने में इजैकुलेशन करते हैं, 4 से 7 बार एक महीने में, और जो लोग 21 बार एक महीने में करते हैं। तो ये कंपेयर दोनों का किया तो ये ऐसा मालूम पड़ा कि जो लोग ज़्यादा इजैकुलेशन करते हैं उनको 20% लेस चांस है प्रोस्टेट का कैंसर होने का। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि क्या फिर हस्तमैथुन करते हैं या ज़्यादा सेक्स करते हैं तो ये क्या ट्रीटमेंट मोडलिटी है कैंसर की? तो डेफिनेटली नहीं है। डॉक्टर कुछ ऐसा लिखते नहीं है कि भाई प्रोस्टेट कैंसर नहीं होने के लिए चलो सेक्स ज़्यादा करो, ऐसा कोई लिखते नहीं, क्योंकि रिसर्च चालू है, स्टडीज चालू है और इसमें बाहर निकल कर आया हुआ है। अब प्रोस्टेट का जो सीरियस कैंसर है, समझो अति गंभीर कैंसर है, तो उसका इसका रिलेशनशिप नहीं है इजैकुलेशन का और गंभीर प्रोस्टेट कैंसर का। मगर जो गंभीर प्रोस्टेट कैंसर नहीं है उसका डेफिनेटली इसका कनेक्शन पाया गया है। तो ये अच्छा ही है मेन लोगों के लिए, मतलब पुरुषों के लिए, कि भाई वो यदि सेक्स करते हैं तो चांसेस कम है प्रोस्टेट कैंसर होने के। तो फिर वो जो गलत फहमियाँ लोगों की है कि हस्तमैथुन से कमजोरी आती है, हस्तमैथुन से वीर्यपात होने से लोगों का मतलब दिमाग खराब हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, पिंपल्स आते हैं, ये सब गलत फहमियाँ, ये झूठ है। जितना ज़्यादा आप वीर्यपात करेंगे उतना कम चांस है होने का, प्रोस्टेट कैंसर होने का। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।